जबलपुर दंडा अधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। कर्फ्यू लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शहर में धारा 144 का पालन कराने पुलिस एक्शन मोड में आ गई और पूरे शहर में सायरन बजाते हुई गाड़ियां घूम रही है, जो लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही जो लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए दिखे उन पर सख्ती भी बरती जा रही है। सिटी एन भारत से शोभित गारू की रिपोर्ट, जबलपुर। आपने इसके लिए विस्तृत आदेश जारी कर दिए, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी सर? देखिए, जबलपुर में चूंकि जो है पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमित जो है रोगी है कोरोना वायरस के, और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, और इसी तारतम्य में जो हम लोगों ने तो शनिवार से जो है धारा 144 का आदेश जारी किया हुआ है और लॉकडाउन किया हुआ है, और रविवार को पूरे देश में जो है जनता कर्फ्यू था, उसमें तो अच्छे परिणाम आए, लेकिन उसके बाद जिस शक्ति से सब लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए वो हो नहीं रहा है, इसी तारतम्य में जो है आज से कर्फ्यू जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगा दिया गया है, और उसमें अति आवश्यक जो सेवाएं हैं, जिसमें कि जो लोग इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला इस काम में लगा हुआ है, चाहे वो शासकीय हो चाहे निजी हो, साथ में प्रशासन के लोग, पुलिस, मजिस्ट्रेट्स, नगर निगम का आवश्यक सेवा में लगा हुआ अमला, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण, और कोई इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी से संबंधित मामलों को छोड़ के किसी को भी बाहर, मीडिया के साथ ही इसके अलावा और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि फल, सब्जी, दूध या अन्य राशन के सामान, इसके लिए हम अलग से रिलैक्सेशन के निर्देश जारी करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अब लिमिटेशन रहेंगे।